नमस्कार दोस्तों, आज 20 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का टमाटर का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी टमाटर की गाड़ियां हैं। चलिए जान लेंगे भाई साहब से, विनय से, आज की क्या कुछ रिपोर्ट है। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे, ये 25 किलो की टमाटर की क्रेट के रेट है। जान लेंगे आज का कहाँ कहाँ के टमाटर का क्या क्या रेट चला, क्या पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। क्या हाल है? बढ़िया जी भाई साहब जी। भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां हैं जी रोज? देखिए माहौल मार्केट के अंदर थोड़ा सा माल मंडी में कम है, ये समझ लीजिए कल से 5-7 गाड़ी कम है। अच्छा जी। अब कारण कम का, जो मेन कारण कम का है वो है सिर्फ ये कि किसान को कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, घाटे इतने होते जा रहे हैं। सिर्फ 50 रुपए का भी करा टमाटर पीछे से खरीदते हैं ना, हाँ जी, तब भी यहाँ पर घाटा हो रहा है और 50 रुपए में किसान के बल्ले कुछ बढ़ता नहीं है। हाँ जी भाजी, एक एक आइटम इतनी महंगी हुई पड़ी है, आपको सब चीज का पता ही है क्योंकि आप खुद किसान रहे हो राणा साहब। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मार्केट में आवक थोड़ी सी जो कम है, 10-20% जो कम है, कम का मेन कारण ये है कि पीछे से किसान को तोड़ने के बाद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टमाटर नहीं है, टमाटर हर तरफ पूरे क्षेत्र में हर तरफ है, लेकिन समस्या सिर्फ एक है कि वहां पर जो है यहाँ से टमाटर भरते हैं, 1 रुपया भी किसान के पल्ले नहीं पड़ रहा, बल्कि उसको जेब से देने पड़ रहे हैं। ये तो लगातार चल रहा जी। बस हम तो चाहते हैं 500 रुपए से कम तो देने पड़ेंगे, 400 से कम। ये तो ठीक बात है आपकी, पर कंडीशन ऐसी है कि इस टाइम पे माल बेचना भारी हुआ पड़ा है। अच्छा, ये थोड़ी सी आज 5-7 गाड़ी मार्केट में कम है। अच्छा, तो मार्केट के अंदर जो प्रॉपर टमाटर है, थोड़ा सा ऐसा उम्मीद लग रही है कि मार्केट में 30-40-50 रुपए नक्की आज थोड़ी सी तेजी रहेगी। अच्छा, उम्मीद यही है, आगे करने वाला परमात्मा है। जो अच्छा टमाटर है छत्तीसगढ़ का, रायपुर का, जो छत्तीसगढ़ का फाइन क्वालिटी है, उसकी पोजीशन 260-70-80 रुपए की पोजीशन है। जो छत्तीसगढ़ का बढ़िया साहू टमाटर, साहू टमाटर जो है 260-70-80 की पोजीशन है उस टमाटर। क्या ज्यादा जी है कोई भाजी? कल टमाटर 220-230 के बेचे, कम से कम 30-40 रुपए की नक्की तो तेजी नजर आ रही है। अच्छा, और ऐसे मंदे के अंदर 40 रुपए नक्का मतलब होता है एक गाड़ी के अंदर 25,000 रुपए। अच्छा जी, एक एक फार्म के अंदर 25-25,000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। तो हमारे लिए तो इतनी राहत है ना कि चलो जी कुछ तो मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे उम्मीद ऐसी लग रही है कि हफ्ता 10 दिन बाद जो सा है ना बाजार में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सुर्खी देखने को मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों से यह अनुरोध है कि आप लोग टमाटर तोड़ते रहे, जो बंदा टमाटर तोड़ता रहेगा तेजी उसी को मिलेगी। आपको मैं बताऊं, सबसे कोने के अंदर आप राणा साहब अगर होके आए होंगे तो कोने में 2 गाड़ी अहमदाबाद की लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी भाऊ जी, टमाटर वो 170-180 रुपए का बेचना पड़ गया है, हिम सोना टमाटर। अच्छा जी। और उसका 130 रुपए भाड़ा है, जबकि पहली तोड़ी का माल है वो। हाँ जी। क्यों बेचना पड़ गया? क्योंकि उस किसान ने उसको ज्यादा लाल कर दिया, इतना लाल कर दिया कि इम सोना नहीं है जी, वो इम शिखर है, इम शिखर है, हिम शिखर है वो, लेकिन वो ज्यादा राइप, ओवर राइप इतना हो गया कि भाजी वो टमाटर बेचना भारी पड़ गया। हाँ जी। अब वो किसान को तेजी क्या मिलेगी? अगर वो टमाटर को अपनी जवानी पे तोड़ता रहता ना तो वो क्या करता, जब तेजी आती ना तो उसके हाथ में टमाटर होता क्वालिटी बहुत बढ़िया और तेजी उसके हाथ में होती। इसीलिए अपने किसानों को ये जरूर कहूंगा मैं कि आप अपना टमाटर तोड़ते रहे, चाहे आपको बराबर में छूट रहे हो पर तोड़ते रहो। जिस दिन तेजी आएगी ना तो 50-100 रुपए नग आपको फालतू मिलेगा, क्योंकि लाल टमाटर मंडी पे फिर बिकेगा जी, बिकेगा नहीं ना लाल टमाटर, भी जल्दी खराब हो जाता है। बस बस बस, वो यहाँ टमाटर फेंकना पड़ेगा। हाँ जी, भाड़ा भी लगे, टमाटर तो वही बिकेगा ना जो हाथ में क्वालिटी होगी। इसीलिए किसान भाइयों से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप टमाटर तोड़ते रहे, चाहे आपका टमाटर रेट टू रेट जाता रहे, कुछ नहीं होता, कभी ऐसा भी समय आता है तो, लेकिन जब तेजी आएगी तो आपको कहीं ना कहीं उसकी एवरेज मिल जाएगी। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आज के रेट के ऊपर। राणा साहब, रेट समझ के चलिए, मार्केट के अंदर जो देसी टमाटर है 30-40 रुपए नक्की तेजी है, छत्तीसगढ़ का टमाटर 260-70-80 रुपए, और जो छत्तीसगढ़ का ये अभिलाष है जी, अभिलाष की ही पोर्शन है जो 250-60 रुपए, अभिलाष ना कम आ रहा है। ये जो शिवपुरी का, शिवपुरी का अभिलाष आ जाएगा। अच्छा, आपको मैं बताऊं, अभी देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, जो शिवपुरी का इलाका है उसका भाड़ा है 100 रुपए ग्रेड का, और जो छत्तीसगढ़ का भाड़ा है उसका 170 रुपए है। अच्छा, जब भी छत्तीसगढ़ से कोई टमाटर यहाँ आएगा ना, वो आएगा बहुत ही फाइन क्वालिटी, ठीक है ना, वो बहुत फाइन क्वालिटी आएगी, उसके अंदर जो सा हल्की क्वालिटी का जो है रेट यहाँ पर भाड़ा नहीं आएगा। अच्छा जी, जी जी जी, ठीक है ना। हाँ जी, तो जो शिवपुरी का टमाटर आएगा ना वो अभिलाष भी आ जाएगा। हाँ जी, क्योंकि उसका भाड़ा कम है। तो जो छत्तीसगढ़ से टमाटर आएगा वो आएगा साहू, क्योंकि वो फाइन क्वालिटी आएगी, उसका भाड़ा ज्यादा है। अच्छा, अगर वो भर देंगे ना अभिलाष तो उसका भाड़ा ही नहीं निकल पाएगा। अच्छा जी, समझना मेरी बात को,
जो शिवपुरी का टमाटर है वहां से आप अभिलाष भी भरवाएंगे ना, उसमें एक बार को वारा आ जाएगा, क्योंकि उसका वारा 100 रुपए क्रेट का, 100 रुपए। और जो इसका शिवपुरी का टमाटर साहू टमाटर है ना, हाँ, वो आज की डेट में बहुत ही बहुत फाइन क्वालिटी 300 रुपए की बिक रही है। अच्छा, ध्यान कर लेना, कल टमाटर बिका था वो 260-270 रुपए का। अच्छा जी, जो शिवपुरी का बड़े फार्मों का साहू टमाटर है तारबास का, कल बिका था 260-270 रुपए, आज की उसकी ओपन पोजीशन 300 रुपए की है। अच्छा, और कल भी 300 से कम की कोई पोजीशन साहू टमाटर की नहीं रहेगी। अच्छा, ये भी ध्यान कर लेना, मैं आने वाले कल की भी आपको बता रहा हूँ। ये शिवपुरी का, शिवपुरी का जो, क्योंकि टमाटर बहुत अच्छा आ रहा है साहू टमाटर, 300 रुपए की उसकी पोजीशन है। फिर ये छत्तीसगढ़ क्यों कम जा रहा है जिससे? देखिए छत्तीसगढ़ भी 300 रुपए की जो बहुत फाइन क्वालिटी आ जाती है ना, देखो लाट बाय लाट गाड़ी होती है। अब देखिए मेरे सामने गाड़ी लगी हुई है, हाँ जी, ये देखिए, अब ये आप अपने दर्शकों को दिखाइए, ये जो टमाटर है ना ये देखिए, हाँ जी, ये टमाटर की पोजीशन है 250 रुपए की, ये थोड़ा सा कच्चा पक्का टमाटर है ये देखिए। अच्छा जी, समझ गए मेरी बात को? हाँ जी, अगर यही टमाटर अगर सारा टमाटर ऐसा हुआ तो ये 300 का बेच लो लाल टमाटर, ठीक है ना? अच्छा जी, अब देखिए ये टमाटर, ये भी इसी गाड़ी का ही टमाटर है। हाँ जी, अब ये जो टमाटर है ना, हाँ जी, देखिए ये टमाटर फेल है, लेकिन किसान इस टाइम पे थोड़ी सी परवाह इतने नहीं कर रहा कि भी उसको बता रहे कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रहा। हाँ जी, मैं कितनी ग्रेडिंग करके भेजू, नहीं इसमें तो जो है वो लेबर बैठाएगा बस इसी चक्कर में थोड़ा सा हम भी किसान को कह रहे कि कोई बात नहीं, तू ऐसे ही भरता रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तेजी मिलनी होगी तब उस टाइम पे कर लेंगे। पर जो आज की डेट में बढ़िया टमाटर है वो 300 रुपए है, जो नॉर्मल क्वालिटी ऐसी वाली क्वालिटी, हाँ, जिसके अंदर हल्का कच्चे बन का टमाटर नजर आएगा, हाँ, उसकी पोजीशन है 250 रुपए की। अच्छा जी, जी 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 जी, साहू टमाटर की जो लाल टमाटर जो शिवपुरी के अच्छे बड़े फार्म है उसकी पोजीशन है 300 रुपए की। अब आ जाते हैं हाईब्रिड के ऊपर, हाईब्रिड देखिए जो इंदौर का टमाटर अच्छी क्वालिटी का है, वो हाईब्रिड टमाटर 250 रुपए से ऊपर नहीं बिक पा रहा है। अच्छा, उसके अंदर भी वारा नहीं है, पीछे ही 130-140-150 का बाजार है, 250 से ऊपर अपना इंदौर का टमाटर नहीं बिक रहा, और हल्के टमाटर की पोजीशन है 200 रुपए। अच्छा जी, जो हल्के टमाटर है वो 200 रुपए, रतलाम का ओपन रेट हो चुका है 200 रुपए, खोरी फाटा 200 रुपए, गिरनारा की जो अच्छी क्वालिटी का है टमाटर वो 220-230 रुपए। अच्छा जी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ इस टाइम पे जो फाइन क्वालिटी आ रही है वो इंदौर की आ रही है, जो बहुत अच्छा टमाटर है वो 250 से ऊपर आज नहीं बिक पा रहा है। अच्छा जी, जी, और जो बात करें भाई साहब, जैसे आज गाड़ियां कम आ गई है, 5-7 गाड़ियां कम है, जी जी, जो किसी कारण से दोबारा फिर 5-7 गाड़ी कल दोबारा फिर आगे ज्यादा, मुझे उम्मीद है, नहीं आपको उम्मीद है अभी तो 5 गाड़ी अगर फालतू भी होंगी ना, हाँ जी, बाजार में इतनी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि कल कस्टमर भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। अच्छा जी, क्योंकि हमारे मंडी के अंदर सोमवार को, बुधवार को, शुक्र और शनि को, ये 4 दिन कस्टमर थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा, मंगलवार को, वीरवार को जो है थोड़ा सा कस्टमर, संडे के दिन 3 दिन कस्टमर कम होता है। कम होने का कारण क्या होता है, सोमवार को जो कस्टमर टमाटर मंदे में ले जाता है ना, हाँ, अब 250-300 का बाजार है, वो आज आया, उसको चाहिए 10 घंटे, वो कहता है रिक्शे में 20 घंटे आनी है, वो कहता है 20 घंटे लोड करो और चलो अगले दिन छुट्टी करेंगे। अच्छा जी, समझ रहे मेरी बात को, भाड़ा उसको 20 घंटों का लग गया, हाँ जी, उसके अंदर क्या हो गया, उसकी कल की आने की यहाँ पर बच गया, टाइम बच गया उसका, सर्दी का टाइम है, टमाटर खराब होता नहीं है। हाँ जी, तो वो क्या होता है, सोमवार को आएगा, बुधवार को आएगा, शुक्रवार को और शनिवार को आएगा। अच्छा जी, ये कारण होता है, मंगलवार, वीरवार और संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन थोड़ा सा कस्टमर दूसरे दिन के कंपैरिजन थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, तो ये हम उम्मीद लगा के चलते हैं कल मार्केट के अंदर अच्छा टमाटर, साहू टमाटर 300 से कम नहीं बिकेगा, ये गारंटी है। जी, चलो जी, 300 का बिकना चाहिए, 300 का भी क्या बिकेगा। आप मानिए, कल मेरी एक किसान से बात हुई तो उसकी आंखों में आंसू थे, वो बकायदा रो रहा था कि भाई ये भाजी मैं क्या करूं, कि मैं 50 रुपए भी टमाटर मेरा लेने वाला नहीं है जमीन का टमाटर। अब आप ये देख लिए इस सरकमस्टांसिस के अंदर किसान कहाँ जाए, इसका भी कुछ ना कुछ सरकार को आपके माध्यम के जरिए कुछ ना कुछ निकालना चाहिए। फसल ज्यादा हो जाएगी ना, जिस जब फसल ज्यादा हो जाएगी सरकार भी क्या करेगी। बात आपकी ठीक है, पर कहीं ना कहीं कुछ एक रेट है, जैसे चटनी का रेट है एक फिक्स हो जाए कि यार 2 रुपए किलो या 3 रुपए किलो जो बचा कटोरा टमाटर चटनी में चला जाए। हाँ जी, राहत तो मिलेगा ही ना कहीं किसान को। भाजी आप ये देख लिए, आने वाले फ्यूचर के अंदर किसान टमाटर लगाते समय डर जाएगा, जिसके खेत में, जिसके खेत के अंदर 2 तुड़ान भी नहीं हुए और उसका 50 रुपए टमाटर उठाने वाला कोई नहीं है, और तार बांस वाला ज्यादा डरेगा क्योंकि उसका खर्चा और बहुत ज्यादा है। सारे रिश्ते में घबराए हुए हैं, इतनी खड़ी फसलें हैं, इतनी खड़ी राणा साहब फसलें हैं, जो टमाटर के अंदर ऐसे ऊंचे ऊंचे खेत लगे हुए, टमाटर लेने वाला कोई नहीं है। यानी आज की तारीख में 200 रुपए से लेकर और 300 रुपए का बाजार है। बिल्कुल एग्जैक्टली रिपोर्ट है। अच्छा, 200 रुपए मिनिमम रेट है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 300 रुपए का रेट है, वो भी रायपुर का जो साहू टमाटर। सबसे बड़ी खास बात ध्यान करिएगा, लाल टमाटर,
समझ रहे बात को। अच्छा, जो अगर रायपुर के अंदर भी अगर कच्चा टमाटर आएगा ना, वो 250-260 से ऊपर नहीं बिकेगा। अच्छा जी। हाँ, लाल टमाटर होगा, साहू टमाटर, वो 300 रुपए की रेट का रायपुर का और अपना शिवपुरी का। इनका क्या लाज है जी, फिर जो यहाँ के ग्राहक है इनका क्या लाज ढूंढे जी, जो कच्चा है तब भी नखरे, देखिए ज्यादा लाल आए तब भी नखरे, बताओ जी इनको बिल्कुल पूरे पूरे टाइम का टमाटर कहाँ से पका के। ग्राहकों की कैटेगरी है। हाँ जी, मार्केट में ऐसा ग्राहक है जिसको कच्चा भी चाहिए, मार्केट में ऐसा ग्राहक है जिसको लाल चाहिए, थोड़ा सा लाल में चावल ज्यादा आ जाती है, बात ये हो जाती है, और कुछ नहीं होती है। अब जो कस्टमर लाल लेके जाने वाले उन्हें ताजा बेचना है, वो दस ऐसे माहौल में 10-20-30 रुपए की शक्ल नहीं देखता, वो टमाटर ले लेता है। आपको टमाटर इनको भी झाड़ू मारता देखा मैंने, ऐसे ऐसे बंदे हैं भी, इनको जो है ना सोटा मार के इनको पीट के और छोंक लगा के डब्बे पे और पतीले में पाके चला देते हैं। वक्त को सलाम है, खड़े टमाटर भी ठोकरे खा रहे जी। राणा साहब वक्त को सलाम है, वक्त को सलाम है, बाकी ये ऊपर वाला है उसके रंग है, दुख सुख दोनों एक ही तरह चलते हैं, तो कोई बात नहीं। आज ये टाइम निकल रहा है तो कहीं तेजी भी आएगी, और उम्मीद ये है कि आने वाले टाइम पे किसान भाइयों को तेजी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। धन्यवाद भाई साहब जी, दुकान का एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर 9811-07840 9811-07840 विनय नाम है मेरा। राणा साहब बोर्ड दिखाई रहे हैं जी। राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब जी।